हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सीए रोहित सेठी आज आपको एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करवाने जा रहा हूं जो आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे इस वीडियो का, और वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, दैट इज अर्निंग पर शेयर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा जो आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वीडियोज पे, और आगे ही ऐसे हमारे 9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बचे हैं 21 से लेकर 29 तक, उसकी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 यानी कि अर्निंग पर शेयर का रिवीजन। देखिए जी, अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है एक शेयर के हिसाब से कंपनी कितना अर्न करके दे रही है शेयर होल्डर को। यहां पर जिस शेयर की बात हो रही है वो शेयर सिर्फ इक्विटी शेयर है, इसका मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों जगह इक्विटी के बारे में बात की जाएगी। अब आपने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैसे बोल दिया क्योंकि यहां पर वर्ड यूज हो रहा है, पर नाउ द पॉइंट इज सबसे पहले ईपीएस निकालना ही क्यों है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ईपीएस। तो समझिए ईपीएस निकाला जाता है कंपैरिजन करने के लिए। कंपैरिजन कैसा, मान लो मेरी कंपनी कमा रही है 10 करोड़ रुपए और मेरे पास नंबर ऑफ शेयर है 1 करोड़, इसका मतलब मेरा ईपीएस आएगा 10 रुपए। वही मेरा दूसरा कंपिटिटर है वो कमा रहा है 100 करोड़ रुपए। अब आप कहोगे मैं कमा रहा हूं 10 करोड़, वो कमा रहा है 100 करोड़, उसकी कंपनी बेटर है, पर उसके पास इक्विटी शेयर है 100 करोड़, इसका मतलब उसके पर शेयर पर इनकम जा रही है 1 रुपए की, मेरे पर शेयर पर इनकम जा रही है 10 रुपए की, तो मेरी कंपनी बेटर हुई ना ईपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, और भी फैक्टर्स होते हैं कंपेयर करने के लिए, बट ईपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं जीत गया ना यार। तो ईपीएस जो है वो निकाला जाता है कंपैरिजन करने के लिए खुद का प्रीवियस ईयर के साथ और खुद का अपने पीयर्स यानी कि अपने कंपिटिटर्स के साथ, राइट। ईपीएस दो तरीके का होता है, सबसे पहला बेसिक और दूसरा डायल्यूटेड। बेसिक ईपीएस करंट ईपीएस होता है, प्रेजेंट ईपीएस होता है। डायल्यूटेड ईपीएस होता है कि करंट अर्निंग के बेसिस पर अगर आपको फ्यूचर में ईपीएस निकालना पड़ गया तो आपका ईपीएस कम होगा या बढ़ जाएगा, अगर कम होगा तो उसे हम बोलेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस, वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। नाउ दोनों ईपीएस निकालना इक्वली प्रोमिनेंट है, आप चूज नहीं कर सकते कि इस बार मैं ये निकाल दूं अगली बार मैं ये निकाल दूं ना, आपको दोनों ईपीएस निकालकर दिखाने पड़ेंगे, आपको पूरी कैलकुलेशन शो करनी पड़ेगी। ईपीएस में अगर हम बात करें तो बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, कमऑन रिपीट में भी बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला होता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकाला जाता है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकालने के लिए हमें दिया होता है ईबीआईटी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से हम माइनस करते हैं अर्निंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आती है अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर हम उसमें से माइनस करते हैं टैक्स, फिर आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, फिर उसमें से माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। अब प्रेफरेंस डिविडेंड कब माइनस करना है, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड हमारे पास प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है तो आपको पर एनम बेसिस पे माइनस करना है, यानी कि उस साल प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, सफिशियंट है नहीं है, आपको माइनस करना ही करना है। लेकिन अगर आपके प्रेफरेंस शेयर नॉन क्यूमुलेटिव है तो इन दैट केस आप तभी माइनस करेंगे जिस साल में पेमेंट होगी। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद आपके पास आएगी अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। उसके बाद बारी आती है वैन्स निकालने की। वैन्स बोले तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकलेंगे आपके टाइम फैक्टर के बेसिस पे। जैसे आपके पास आज 1 लाख शेयर है, 5 महीने बाद आपने 10,000 शेयर और इश्यू कर दिए तो आप 1 लाख को 5/12 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1,10,000 को 7/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे, राइट। इसके बाद कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहला पॉइंट, एप्रोप्रिएशन कभी भी कंसिडर नहीं करने है। इसका मतलब एक बार अर्निंग निकल गई ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं लेना, इक्विटी डिविडेंड नहीं लेना, किसी भी रिजर्व में ट्रांसफर नहीं लेना, रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं लेनी, इसका मतलब सीधा सीधा वही अर्निंग लेनी है जो प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करने के बाद आएगी। दूसरा पॉइंट प्रेफरेंस शेयर्स का, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्यूमुलेटिव है तो पर एनम बेसिस पे, नॉन क्यूमुलेटिव है तो हमारे को लेना है पेमेंट बेसिस पे, राइट। उसके बाद प्रायर पीरियड आइटम, प्रायर पीरियड आइटम क्या होती है, वो आइटम्स जो हमारी प्रीवियस ईयर की मिस्टेक्स है जो हमने इस साल सही करी है, तो क्या वो कंसिडर करनी है, द आंसर इज यस, प्रायर पीरियड आइटम कंसिडर करनी है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम कंसिडर करना है, यस करना भी है और नहीं भी करना, तो इन दैट केस यहां पर आपको 2 डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंक्लूड करके, दूसरा एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सक्लूड करके। याद रहे मैंने यहाँ पे वर्ड इंक्लूड और एक्सक्लूड यूज किया है, एक्सक्लूड का मतलब माइनस नहीं होता, एक्सक्लूड का मतलब होता है अगर वो माइनस हो रहा है तो माइनस मत करो, अगर प्लस हो रहा है तो प्लस भी मत करो, और इंक्लूड का मतलब होता है प्लस हो रहा है तो प्लस कर लो, माइनस हो रहा है तो माइनस कर लो, राइट। इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम को इंक्लूड भी करना है एक्सक्लूड भी करना है। इसके बाद ईपीएस का डिस्क्लोजर कहां पे देना है, ईपीएस का डिस्क्लोजर देना है आपको पीएनएल अकाउंट में, बिल्कुल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के सबसे नीचे फेस पर देना है उसको आपको, ठीक है। इसके बाद बायबैक, अगर आप पूरे साल के बीच में कभी भी बायबैक कर लेंगे तो उस दिन से आपके नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालते समय आपको उसे एडजस्ट करना है। अगर आपके पास डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू वाले शेयर्स हैं, डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू वाले शेयर्स का मतलब ये हो गया कि आपके पास एक शेयर 10 का है, एक शेयर 20 का है, एक शेयर 50 का है, तो इन दैट केस आपने क्या करना है, पहले सबको 10 पर लेकर आना है या फिर सबको 20 पर लेकर आना है, इसका मतलब आपको निकालने हैं इक्वल नंबर ऑफ शेयर। आप 10 पे कैसे लाएंगे, मान लो आपके पास 10,000 शेयर है 10 वाले, तो 10,000 × 10 / 10,
अब आपके पास 20,000 शेयर है 20 रुपए वाले, तो 20,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। आपके पास 30,000 शेयर है 50 रुपए वाले, तो 30,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। हमने सबको 10 से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब हम सबको 10 रुपए के शेयर पे ले आए। इसे हम बोलते हैं इक्वल नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना। इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स आने के बाद हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे और उसको हम अर्निंग से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद याद रहे आपको क्लास वाइज ईपीएस डिस्क्लोज करना है। अब आपके पास जो ईपीएस आया है वो 10 रुपए का ईपीएस है। अब 10 रुपए से ईपीएस पे 20 पे जाने के लिए हम इस ईपीएस को डिवाइड करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। क्लास सी के लिए डिवाइड करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, राइट। इसके बाद अगर डिफरेंट डिविडेंड राइट्स होते हैं, सब कुछ सेम करना है, बस ईएई यानी कि अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स निकालते समय आपको जो एक्स्ट्रा डिविडेंड राइट है ना वो पहले ही माइनस करके चलना है, यानी कि एक्स्ट्रा डिविडेंड आपने माइनस करना है और लास्ट में आके उसको बेसिक ईपीएस में वापस एडजस्ट कर देना है। इसके बाद अगर आपके पास पेड अप वैल्यू डिफरेंट वाले शेयर्स हैं, तो इन दैट केस आपने क्लास वाइज नहीं है, ये यहां पर आपके पास क्लास ए की है बट सारे शेयर्स अलग अलग टाइम पर पेड अप हो रहे हैं, तो इन दैट केस आपने पहले ये निकालना है कि फुली पेड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। अब फुली पेड नंबर ऑफ शेयर का मतलब क्या हुआ, आपका शेयर 20 रुपए का है और उसमें 5 पेड अप है, तो जो भी नंबर ऑफ शेयर्स है इंटू 5 करिए डिवाइडेड बाय 20 कर दीजिए। कुछ शेयर 8 पेड अप है तो जो भी नंबर ऑफ शेयर है इंटू 8 करिए डिवाइडेड बाय 20 कर दीजिए, यानी कि सबको फुली पेड नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। ये इसे डिवाइड करिए आपके पास ईपीएस आ जाएगा, राइट। इसके बाद बोनस शेयर, बोनस शेयर की सबसे अच्छी कंडीशन है कि बोनस शेयर को आपने इंक्लूड ही नहीं करना वाइल कैलकुलेटिंग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालते समय बोनस को भूल जाओ, बोनस नाम की कोई चीज ही नहीं है। और ईपीएस की कैलकुलेशन करते समय यानी कि जब आप ऊपर फॉर्मुला लिखेंगे अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, तो उसमें प्लस कर दीजिए बोनस शेयर्स को। इसका मतलब बोनस शेयर जो है वो डायरेक्टली नीचे आकर प्लस हो जाते हैं, तो वो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन में नहीं आते। और बोनस शेयर के आने से एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, दैट इज रीस्टेटेड ईपीएस। हमें प्रीवियस ईयर का ईपीएस रीस्टेट करना पड़ेगा, यानी कि प्रीवियस ईयर के ईपीएस में हमें डिनोमिनेटर में ले जाकर बोनस को ऐड करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है राइट इशू का। राइट इशू का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई भी राइट इशू किया है यानी कि अपने ही शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स दिए हैं, इन दैट केस यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको सबसे पहले निकालना है एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट प्राइस यानी कि वो प्राइस जब हम राइट निकाल देंगे तो आपका प्राइस कितना हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम करंट नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे इनटू फेयर वैल्यू लेंगे, प्लस करेंगे जितने शेयर्स हम इशू करना चाह रहे हैं राइट इशू में इनटू ऑफर्ड प्राइस लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स राइट प्राइस, यानी कि राइट आने के बाद क्या प्राइस होगा। अब हम निकालेंगे आरए फैक्टर। आरए फैक्टर स्टैंड्स फॉर राइट एडजस्टमेंट फैक्टर। उसके लिए हम करंट मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू को डिवाइड कर देंगे एक्स राइट प्राइस से, ये हमारा आरए फैक्टर होगा। अब जब हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहे होंगे, तो लेट से मेरे पास अभी शेयर थे 1,00,000, 5 महीने बाद मैंने 10,000 शेयर राइट इशू करे, तो जो मेरे पास अभी 1,00,000 शेयर हैं मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगा 5/12 से, साथ साथ आरए फैक्टर से भी, और उसके बाद 1,10,000 शेयर को मैं सिर्फ 7/12 से मल्टीप्लाई करूंगा, आरए फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी राइट एडजस्टेड होंगे क्योंकि वो राइट के बाद के शेयर्स हैं। यहां पर भी हमें एक ध्यान रखना है कि हमें प्रीवियस ईयर के ईपीएस को रीस्टेट करना है, यानी कि जो भी प्रीवियस ईयर का ईपीएस होगा हमें उसे डिवाइड करना है किससे, आरए फैक्टर से। तो हमने प्रीवियस ईयर का ईपीएस रीस्टेट करना दो चीजों में कर लिया, एक बोनस में और एक राइट इशू में। आगे जाके एक और में पढ़ेंगे अभी हम। इसके बाद है अमेलगमेशन। अमेलगमेशन अगर कभी होता है तो आपको यह देखना है कि वो इन द नेचर ऑफ परचेज है या इन द नेचर ऑफ मर्जर है। अगर वो इन द नेचर ऑफ परचेज है तो आपने क्या ध्यान रखना है कि जिस दिन आपने शेयर इशू करे आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर उसके हिसाब से कैलकुलेट करने हैं। लेट्स से आपने किसी के बिजनेस को 10 महीने बाद खरीदा, तो 10 महीने तक आपके पास 1,00,000 शेयर थे, 10 महीने बाद आपको उसका बिजनेस खरीदने के आपने उसको 2,00,000 शेयर दिए, तो आपके पास 3,00,000 शेयर्स हो गए, तो 3,00,000 इंटू 2/12 कर देंगे, यानी कि जैसा आप नॉर्मल कैलकुलेट कर रहे थे वैसा ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन मर्जर के केस में यानी कि इन द नेचर ऑफ मर्जर, यहां पर आपको भी पता है कि दो कंपनी सिर्फ मर्ज हो रही है, कोई भी अमलगमेशन नहीं हो रहा, तो यहां पर आपने डायरेक्टली दोनों के नंबर ऑफ शेयर प्लस करने हैं, आपको टाइम फैक्टर कैलकुलेट नहीं करना, यानी कि टाइम फैक्टर को यहां पर आपने कोई भी प्रेफरेंस नहीं देनी है, राइट। अब बारी है आपके डाइल्यूटेड ईपीएस की। डाइल्यूटेड ईपीएस में क्या होता है, डाइल्यूटेड ईपीएस में आपका फॉर्मूला हो जाता है ईएई अपॉन वैन से एडजस्टेड ईएई अपॉन एडजस्टेड वैन। अब ये एडजस्टेड का मतलब क्या, एडजस्टेड का मतलब ये है, पहले बात करते हैं कि एडजस्टेड निकालना ही क्यों है। बेसिकली आपके पास 5 कारण होते हैं जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने वाले हैं, और ये बात हमें आज से पता है। जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर, कल को आप जब डिबेंचर्स को कन्वर्ट करोगे इक्विटी शेयर्स में तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। शेयर वारंट्स, आज आपने उनको वारंट्स इशू करें पर आने वाले टाइम में आप उन्हें शेयर्स इशू करेंगे तो उनके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। उसके बाद आते हैं आपके ESOPs यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, आप उन्हें भी नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे तो वो भी बढ़ जाएंगे। और उसके बाद आते हैं आपके शेयर सस्पेंस अकाउंट, अगर आपने एप्लीकेशन मनी ले रखी है बट अभी तक आपने शेयर अलॉट नहीं करे तो एक ना एक दिन तो अलॉट करोगे, उसकी वजह से भी आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे।
अब अगर आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब आपका वैंस में आने वाले टाइम में डिफरेंस आएगा। अब अगर आपका डिनोमिनेटर बढ़ गया और न्यूमरेटर सेम रहा तो आपका ईपीएस तो डाइल्यूट हो जाएगा, इससे बोला जाता है डाइल्यूटेड ईपीएस। लेकिन यहां पर दो चीजें ऐसी हैं जिससे आपके इनकम में भी सेविंग होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप डिबेंचर्स को प्रेफरेंस इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको डिबेंचर को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। पर सर अगर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा तो टैक्स तो देना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब इंटरेस्ट की सेविंग हमेशा नेट ऑफ टैक्स होगी। और अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो प्रेफरेंस को डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा। पर सर टैक्स नहीं, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर टैक्स नहीं होता। तो इसका मतलब आप जब एडजस्टेड ईएई निकालेंगे तो एडजस्टेड ईएई निकालते समय आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को टैक्स नेट ऑफ टैक्स ऐड करना है और प्रेफरेंस डिविडेंड को आपने पूरा ऐड करना है, राइट। याद रहे अगर आपने एडजस्टेड ईपीएस निकाला और एडजस्टेड ईपीएस ज्यादा आ गया आपके नॉर्मल ईपीएस से तो उसका मतलब वो एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस होगा, उसको रिपोर्ट नहीं करना। उसको आपने कैसे रिपोर्ट करना है, बेसिक ईपीएस वैल्यू डाइल्यूटेड ईपीएस डैश। अगर आपका नॉर्मल ईपीएस आ रहा है, बेसिक ईपीएस जो भी आ रहा है, डाइल्यूटेड ईपीएस जो भी आ रहा है, और अगर हमारा दोनों इक्वल आ गए तो इन दैट केस आपको सिंगल लाइन डिस्क्लोजर देना है, बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस आपका एक ही आंसर देना, आपको सिंगल लाइन आंसर देना, राइट। तो ये हो गए हमारे कॉन्सेप्ट, दो कवर कर लिए हमने। अब आ रही आती है अगर आपके पास मल्टीपल पोटेंशियल शेयर्स है। मल्टीपल पोटेंशियल शेयर का मतलब ये होगा कि आपके पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर भी है, कन्वर्टेबल डिबेंचर भी है, शेयर वारंट्स भी है, इसॉप्स भी है, तो हम क्या करेंगे, इन दैट केस सबसे पहले हम इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालेंगे। इंक्रीमेंटल ईपीएस का फॉर्मूला होता है कि जो भी सेविंग हमारी हो रही है हम उसको डिवाइड कर देंगे, जो भी हमारी सेविंग है हम उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स जितने की बढ़ने वाले हैं। जैसे कि डिबेंचर से सेविंग होगी इंटरेस्ट की नेट ऑफ टैक्स, प्रेफरेंस शेयर से सेविंग होगी डिविडेंड की नेट ऑफ टैक्स नहीं, ठीक है, एंड वारंट से सेविंग कुछ नहीं होगी। अब जैसे ही हमारे पास ये इंक्रीमेंटल ईपीएस आएंगे हम इंक्रीमेंटल ईपीएस को रैंक देंगे और रैंक देंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि जिसकी सबसे कम रैंक है उस सबसे कम ईपीएस है उसकी रैंक वन हो जाएगी, जिससे सबसे ज्यादा उसकी सबसे बड़ी रैंक हो जाएगी। और उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम डाइल्यूशन स्टार्ट करेंगे। डाइल्यूशन का टेबल कौन सा होगा, जिसमें पहला कॉलम होगा आपका अर्निंग का, नंबर ऑफ शेयर्स का और फिर ईपीएस का। सबसे पहले आप बेसिक लिखोगे, यानी कि आपके बेसिक ईएई कितना था, बेसिक नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे और बेसिक ईपीएस कितना आ रहा है। इसके बाद आप इसमें ऐड करते जाएंगे जैसे जैसे वो रैंक आपने दी है, यानी कि पहली रैंक आपने वारंट्स को दी थी तो वारंट्स ऐड कर लेंगे, फिर आपने प्रेफरेंस शेयर को दी थी तो प्रेफरेंस शेयर ऐड कर लेंगे, फिर डिबेंचर को दी थी तो डिबेंचर ऐड कर लेंगे। जहां पर भी आपको मैक्सिमम डाइल्यूट होता हुआ ईपीएस दिख जाएगा वो ईपीएस आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसे हम बोलेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस। अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी है तो याद रहे लॉस मेकिंग कंपनी में नंबर ऑफ शेयर बढ़ने से लॉस पर शेयर कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं होगा, वहां पर एंटी डाइल्यूट ईपीएस हो जाएगा। और अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को हमने करंट ईयर में कन्वर्ट कर दिया तो फिर वो वैंस की कैलकुलेशन में चले जाएंगे, यानी कि कन्वर्टेबल डिबेंचर और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर अगर आपने करंट ईयर में कन्वर्ट कर दिए तो इन दैट केस वो कौन सी कैलकुलेशन में चले जाएंगे, वैंस की कैलकुलेशन में, डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन में नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं कंसोलिडेशन और स्प्लिट की। कंसोलिडेशन और स्प्लिट का मतलब यह कि पिछले साल आपके पास नंबर ऑफ शेयर थे 10,000, इस साल आपने वो नंबर ऑफ शेयर बढ़ाकर कर लिए 1,00,000। अब पिछले साल आपकी अर्निंग थी मान लो 10,00,000, इस साल भी आपकी अर्निंग है 10,00,000, लेकिन पिछले साल आपका ईपीएस आ रहा था 100 रुपए और इस बार आ रहा है सिर्फ 10 रुपए का, ये तो गड़बड़ वाली बात है, ये तो बहुत दिक्कत हो गई। नंबर ऑफ शेयर आपने सिर्फ स्प्लिट करे हैं और आपके नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए लेकिन ईपीएस कम हो गया, तो वो ये कहता है कि इस केस में आपको प्रीवियस ईयर का ईपीएस भी रीस्टेट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको कहा था प्रीवियस ईयर का ईपीएस रीस्टेट करना पड़ता है, ऐसी तीन कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली हो गई बोनस, दूसरी हो गई राइट इश्यू और तीसरी हो गई आपका स्प्लिट या फिर कंसोलिडेशन। और एक बात बताइए, मल्टीपल डिस्क्लोजर्स कहां कहां करने पड़ते हैं, एक तो एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम में जहां पर हमें इंक्लूडिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी दो दो ईपीएस निकाल कर देने होते हैं। उसके बाद हमारे को एक और डिस्क्लोजर एक्स्ट्रा करना होता है जब हमारे पास क्लास वाइज ईपीएस आता है, वहां पर हमारे को मल्टीपल डिस्क्लोजर होते हैं। और तीसरा आ गया आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अगर आपके पास डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, अभी आने वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 भी वीडियो, तो अगर आपके पास कोई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है तो आपको तीन तीन ईपीएस डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, एक कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से और एक दोनों का टोटल, यानी कि नेट आपको भी बताना पड़ेगा। तो यहां पर ये लिखा हुआ है कि रीस्टेट की जरूरत पड़ती है तीन कंडीशन में, सेपरेट डिस्क्लोजर की जरूरत पड़ती है तीन कंडीशन में, और एक जरूरत आपकी है इस टाइम पे, वो क्या, आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, जरूर कमेंट करना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड से शेयर भी जरूर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।